गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एडवर्टाइजिंग। ऑलरेडी वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग लाइक कमर्शियल, सोशल, पॉलिटिकल। आज हम जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कंज्यूमरिज्म। आखिर हम लोग जो कंज्यूमर हैं, आखिर हमारे भी कुछ राइट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि एडवर्टाइजिंग के नाम पे कोई कुछ भी दिखा कर चला जाएगा या हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है या कुछ ऐसा कुछ चीज़ों को प्रमोट करे जो सोसाइटी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बहुत सारी चीज़ों को रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई किया है ताकि हमें सही चीज़ों के बारे में सही जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर एडवर्टाइजिंग गलत व्यू से, गलत तरीके से किया जाए तो ये लोगों को मिसलेड भी कर सकता है। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हम लोग वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हमारे भी कुछ राइट्स हैं और अगर हमारे इंटरेस्ट को अगर नहीं बचाया गया, राइट्स को नहीं बचाया गया, तो ये बहुत ही डेंजरस होगा हमारे लिए। इट इज़ ए मूवमेंट और पॉलिसी विच एम्स एट रेगुलेटिंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हम जिस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऐड को हम देख रहे हैं, जैसा ऐड बता रहा है उसके हिसाब से बहुत ही घटिया चीज़ हमें मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बायर और कंज्यूमर। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर विथ रिगार्ड टू द प्राइस, क्वालिटी एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स हुज क्लेम्स आर नॉट करेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि जब टीवी पे ऐड आता है तो वो कुछ क्लेम करते हैं कि ऐसा आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएगा। तो अगर वो क्लेम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए डेंजरस हैं, लेकिन हमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है और हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। किस चीज़ को लेकर? रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी। अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्वालिटी मिलनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द गुड्स दैट वी बाई आर समथिंग नॉट मेजर्ड और वेट करेक्टली। कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ को हम खरीदते हैं उसको ढंग से मेज़र नहीं करते या उसका वजन सही नहीं होता है। एट टाइम्स दे आर ऑफ पुअर क्वालिटी और डुप्लीकेट आइटम्स। मार्केट में डुप्लीकेट आइटम्स भी है या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ख़राब क्वालिटी की है, या फिर कुछ ऐसा फूड आइटम जिसको एडल्ट्रेशन किया गया है, उसमें कुछ मिलाया गया है। ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा, एडल्ट्रेटेड मतलब उसमें कुछ मिलाया गया है, जैसे ऑयल है, स्पाइसेस है, घी है, मिल्क है, दाल है, तो ये सब हमको हेल्थ हैजार्ड्स को प्रमोट कर सकता है, इसलिए ऐसे चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो आखिर इन सब को लेकर राइट्स कौन बचाएगा हमारे? या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो चुकी है लेकिन मार्केट में लोग उसको बेच रहे हैं, तो इसके लिए ही कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश किया गया है और एक ख़ास कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 को लाया गया है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, कंज्यूमर फोरम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिला उपभोक्ता फोरम। कंज्यूमर को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। आपने कई बार एड को देखा होगा। तो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग खुद जाकर भी केस लड़ सकते हैं और ऐसे किसी भी सिचुएशन में अपने राइट्स को बचाते हुए अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका हर्जाना भी उस कंपनी से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट डाउट क्लास में लोग उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।